आगे बढ़ेंगे हिंडौन सिटी से। बड़ी खबर आपको दे दें कि हिंडौन में उल्टी दस्त का प्रकोप फैलने से जुड़ी ये बड़ी खबर है। उल्टी दस्त से 13 वर्षीय बालक देव की मौत हुई है। 3 दिन में उल्टी दस्त के करीब 110 मरीज सामने आए हैं। मरीजों का हिंडौन के जिला अस्पताल में उपचार जारी है। 11 बच्चों सहित 17 मरीजों को जयपुर रेफर किया गया है। दूषित पानी को माना जा रहा है उल्टी दस्त का कारण। हिंडौन के चौबे पाड़ा क्षेत्र के आसपास लोग हो रहे हैं बीमार और बीमारी को लेकर हिंडौन क्षेत्र के लोगों में घबराहट देखने को मिल रही है। जलदाय विभाग के पानी को अब लोग तौबा तौबा कर रहे हैं। और देखिए लगातार लोगों की तबीयत खराब हो रही है उल्टी दस्त की वजह से। दूषित पानी इसका कारण माना जा रहा है, दूषित पानी पीना। और मनीष बंसल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, अभी तक तो 110 करीब लोगों की हालत खराब हुई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि एक बच्चे की भी मौत हुई है। जो कारण कहा जा रहा है कि पानी, जो दूषित पानी है वो पीना कारण हो सकता है, क्या और जानकारी है? क्या वाकई में यही कारण है या फिर क्योंकि अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कुछ अब जानकारी भी जुटाई जा रही है कि जो मुख्य कारण है क्या हो सकता है? मैं आपको बता दूं, खबर में थोड़ा संशोधन करते हुए, अभी तक 100 से ज्यादा जो बच्चे हैं, लोग हैं, वो पानी के वजह से बीमार हो चुके हैं। इसमें से लगभग 11 से ज्यादा बच्चे को जयपुर रेफर किया जा चुका है। लगभग 18 लोग अभी तक जयपुर रेफर हो चुके हैं, इनमें एक बच्चे की अभी मौत ही हो चुकी है। और ये सिलसिला जी जी मनीष, और जो इसमें मुख्य कारण जो निकल के आ रहा है वो दूषित पानी के कारण सब लोग बीमार हुए हैं, जिनका कई लोगों का भी उपचार जारी है। मनीष, और ये सिलसिला कब से जारी है? कब लोगों की तबीयत खराब होना शुरू हुआ था? कितना समय हो चुका है? मैं आपको बता दूं, अगर देखा जाए तो जलदाय विभाग के जो सहायक अभियंता है उनकी आप बहुत लापरवाही देखें तो ये 3 दिन से सिलसिला जारी है। लेकिन जब हमने सहायक अभियंता से बात की 2 दिन पहले, तो 2 दिन पहले कल तक उनको जानकारी नहीं थी कि हमारे हमारे पानी को लेकर इस तरह के जब लोग बीमार हो रहे हैं। जब मीडिया ने इन लोगों को चेताया तो उसके बाद सहायक अभियंता और जो डीए ने मौके पे भागे और उन्होंने जो उनके लीकेज है उनको उनको देखा और उनको दुरुस्त कराया। मनीष, तो क्या पानी को टेस्ट के लिए भेजा गया है क्या? हाँ जी, आप बता दो, करौली से टीम आ गई है और उन्होंने सैंपल लिए हैं। जहाँ तक देखा जाए तो सैंपल की जो अभी तक रिपोर्ट आई है उसमें कहीं ना कहीं पानी में की जो गुणवत्ता है उसमें कमी पाई गई है, जिसके कारण ये बीमार होना पाया गया है। मनीष, कितने क्षेत्र में ये शिकायत सामने आई है? जी मैम, हिंडौन क्षेत्र का एक टोबेपाड़ा है, टोबेपाड़ा शाहगंज, ये 2 पानी की टंकियां हैं जो जिनकी सप्लाई से जो लोग पानी पी रहे थे, अधिकांशतः वहीं के लोग ही बीमार हुए हैं। अधिकांशतः वहीं के लोग बीमार हुए हैं। लेकिन मनीष, आप बता रहे हैं कि टीमें वहां पर पहुंची हैं, कितनी टीमें वहां पहुंची हैं और लोगों से बातचीत करने की कोशिश की? क्या इससे पहले भी ऐसी कुछ शिकायतें सामने आ चुकी हैं क्या कि पहली बार ऐसा मामला सामने आया? कटना आ चुका है, टीमें जहां पर देखे तो पूरे हिंडौन तहसील की जितने भी जिला विभाग के अस्थायी कर्मचारी वो मौके पर है। जहां तक जिला कलेक्टर महोदय हैं वो अभी कुछ ही क्षण में उस मौके पर पहुंचने वाले हैं। आला प्रशासन फर्स्ट इंडिया खबर के बाद हरकत में आ चुका है और जहां तक जितने भी अवैध कनेक्शन और लीकेज है उनको मौके पर सही कराया जा रहा है और जो मरीज है उनको उनका स्पेशल टीम और बनाई गई है। मनीष, संभवतः क्या लग रहा है, क्या सफाई टंकी की नहीं होती है, पानी दूषित था इस वजह से पानी पीने से इनकी तबीयत खराब है? क्योंकि पानी का सेवन तो कई और लोगों ने भी किया होगा। हाँ, इसमें मैं आपको बता दूं, संभवतः जो चीज निकल के आई है तो पानी की सफाई तो हुई है, लेकिन जहां तक जो लीकेज है, जो पानी की टंकी में जो होकर सप्लाई जाती है उसमें होकर लीकेज है, जो गंदा पानी बहता है उसके कहीं ना कहीं कनेक्शन में आ गए हैं, तो जिससे पानी का पीने का पानी और गंदा पानी दोनों उसमें आपस में ज्वाइंट हो गए हैं, जिसके कारण लोग बीमार हो। और डॉक्टर पुष्पेंद्र गुप्ता CMHO हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया पर। सर, हिंडौन के चौबे पाड़ा क्षेत्र है एक, और वहां के लोग लगातार बीमार हो रहे हैं और माना जा रहा है कि दूषित पानी इसका कारण है। बिल्कुल सर जी, इसको लेकर कुछ जानकारी आपने जुटाई है क्या? वहाँ टीमें पहुंची है क्या? नहीं, वहाँ क्या है कि जो लीकेज हो रहे हैं कुछ पाइपलाइन में, जो नाली से जो नाली का गंदा पानी जाता है ना, वो लीकेज कनेक्ट हो गया उससे, तो उसकी वजह से वो दूषित पानी पीने से एक साथ जो कम्युनिटी जो बाढ़ है उसमें संक्रमित हो गई है। तो सर, अभी जो अस्पताल में भर्ती हैं लोग जिनकी तबीयत बिगड़ी है उनकी हालत कैसी है फिलहाल?
पुष्पेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? हाँ, बोलिए पुष्पेंद्र जी। जो एक बच्चे की मौत हो गई है, बड़ी बात है, 13 वर्षीय बालक जिसकी मौत हो गई दूषित पानी पीने से, क्या किया जा रहा है? दूसरा ये कि जो अस्पताल में भर्ती है मरीज, उनकी हालत कैसी है? जी, और नहीं उसको इलाज के लिए भर्ती कराया गया जी, तो एक्चुअल तो कंडीशन बता नहीं सकते कि उसकी मौत किस वजह से हुई है। नहीं, कुछ तो एग्जामिन किया गया होगा ना पुष्पेंद्र जी? नहीं, वो जो हॉस्पिटल में जब उसको लाए थे सुबह के टाइम आज, तो वो ब्रोडेल था, मतलब मृत अवस्था में ही था वो। तो उसको जब अपन ये नहीं कह सकते उसको पहले क्या, अब उसकी हिस्ट्री ली जा रही है, घर पर उसकी टीम भेजी हुई है, उससे पता चलेगा कि बच्चे को पहले क्या हो रहा था। और जो लोग, और जो बाकी लोग हैं उनमें क्या लक्षण देखे आपने? लक्षण तो वही है, फीवर डिहाइड्रेशन के लक्षण है, उल्टी दस्त है, तो ट्रीटमेंट सभी का चला रखा है, कुछ सीरियस थे उनको रेफर भी किया है। बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो सभी लोग आए तो क्या सिर्फ उल्टी दस्त की इन्हें शिकायत थी? आप बता रहे हैं कि इनको बुखार भी था, तो प्रारंभिक ट्रीटमेंट इनको क्या दिया गया? नहीं, बुखार ट्रीटमेंट तो अपने आप तो फ्लूड और वो सारे चीज चल रहा है, हॉस्पिटल में भर्ती जो हो रहा है उनको तो। बिल्कुल ठीक है पुष्पेंद्र जी, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो बता रहे हैं पुष्पेंद्र जी जो कि पीएमओ है हिंडौन सिटी के, वो ये कह रहे हैं कि सभी को प्रारंभिक ट्रीटमेंट दे दिया गया है, और जो 13 वर्षीय बालक की जो मौत की बात कही जा रही है उसको एग्जामिन अभी बॉडी से किया जा रहा है कि आखिर क्या कारण रहा जिससे उसकी मौत हो गई। हालांकि अभी तक 110 मरीज उल्टी दस्त के सामने आए हैं जिनको परेशानी हुई है, और कई ऐसे हैं जिनको रेफर भी किया गया है, और बेहतर इलाज उनको मिल सके यही कोशिश है। 11 बच्चों सहित 17 मरीजों को रेफर भी कर दिया गया है। ये अपडेट इस खबर पर है।